अब हम हैं जी डाउनटाउन टोरंटो के सिटी सेंटर में, जो कि जहाँ पे थोड़े से लोग नजर आ रहे हैं। देखते हैं थोड़ा अंदर जाके ऊपर जाना अलाउ है कि नहीं। आई थिंक के ऊपर जाना तो अलाउ नहीं होगा, क्लोज होगा वो, लेकिन देखते हैं थोड़ा। वी कैन गो अपस्टेयर्स और नॉट। So we can't go upstairs. Normal routine में ये area बहुत busy होता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, इस view को enjoy कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोग skating कर रहे होते हैं, specially in winter। अभी तो वैसे बंद किया हुआ सारा। तो ये जो मेन सिटी सेंटर है इसका, जो कि बहुत बिजी होता है, लोगों से भरा होता है, मगर अब ये यहाँ पे एक स्नैक शॉप बनी हुई है, यहाँ से आप ड्रिंक कॉफी ले सकते हैं। और ये जो स्केट पॉइंट है, यहाँ से आप स्केट रेंट कर सकते हैं और थोड़ा विंटर में एंजॉय कर सकते हैं, इफ यू लाइक स्केटिंग। I did once, that was really good. सब तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, बस कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे। मोस्टली जो है ना सारा खाली है। अभी कहीं सेंटर पॉइंट पे खड़े हो गए, एक आपको कंप्लीट व्यू दिखाते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग, ये शेरेटन होटल है उसकी बिल्डिंग है ये। यहाँ पे समटाइम फंक्शन हो रहे होते हैं म्यूजिक के, और ये सारा एरिया जो है ना लोगों से भरा होता है। यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं फूड के, गिफ्ट सेंटर के, लेकिन अब बिल्कुल एम्प्टी है। ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की इंग्लैंड में जो है ना बहुत बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहाँ पे जो है इनका आर्किटेक्चर जो है ना वो बहुत मजे का है, लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल खाली है, लोग बस थोड़े से नजर आ रहे हैं। वो सामने में भी आपको नजर आ रहा हो, समवन जस्ट फीडिंग बर्ड्स। बिल्कुल खामोशी है, जो कि ये वाली जगह जो है ना एक सेंटर पॉइंट है डाउनटाउन का। यहाँ पे लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो अभी आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, तो उनको शूट करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो डाउनटाउन में जो बिल्डिंग्स है ना हाई राइज, वो बहुत कमाल बनी हुई हैं। उनका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर तो गोल्ड लाइक, जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, जैसे कि ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आर्किटेक्चर देखें आप ऐसा कमाल का है। ये मेन जो बिल्डिंग है ना सिटी सेंटर की, ये वाली मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट्स के मोस्टली काम जो है ना यहाँ से होते हैं।
आपको कोई भी इशू होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है रिगार्डिंग टिकट्स अदर जो भी मैटर्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड. तो पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और उनको हेल्प आउट किया जाता है, लेकिन ये मेन बिल्डिंग है. इससे पहले जब मैं आया था यहाँ पे स्केटिंग के लिए विंटर में, तो बिलीव करें कि यहाँ पे आपको कहीं पे इजी से खड़े नहीं हो सकते, आप आसानी से कहीं खड़े नहीं हो सकते, इतना ये भरा होता है लोगों से. लेकिन अब बिल्कुल एम्प्टी हो गया है. अल्लाह ताला सब बेहतर करे और चीज़ें नॉर्मल आएं, लोग बाहर निकलें, अपना हंसते खेलते टाइम गुजारें. चलो अभी अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ पे वीडियो शूट करके तो फिर घर की तरफ निकलेंगे. अब हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं ये सामने आ रहा है, इसको कहते हैं डंडा स्क्वायर, जो कि डंडास और यंग के मेजर इंटरसेक्शन पे है. ये भी एक बहुत बिजी पॉइंट है. ये तो 2400 घंटे इसको कह लें कि ये लोगों से बिजी होता है, भरा रहता है. यहाँ पे लोग तरह तरह की चीजें कर रहे होते हैं और लोग उनको देख के महसूस हो रहे होते हैं. म्यूजिशियन, जगलर और भी ढेरों लोग होते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं. और यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है जो कि बहुत बड़ा है. अभी कहीं गाड़ी पुल ओवर करते हैं तो फिर डिटेल से इसका थोड़ा सा आपको व्यू करवाते हैं. लेट मी फाइंड आउट सम पार्किंग समवेयर. सो आई फाउंड लकीली पार्किंग हियर. अभी हम आ गए हैं डंडा स्क्वायर पे. ये जगह बहुत बिजी होती है. ये इस जगह के बारे में आप कह सकते हैं कि 24 आवर बिजी रहती है. 24 आवर लोग यहाँ पे होते हैं. यहाँ पे जब आते हैं तो लगता है टोरंटो जो है ना वो सोता नहीं है. ये ऐसी जगह है. यहाँ पे बहुत बड़े 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 जो ना बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. ये टोरंटो ईटन सेंटर भी यहीं पे है जो कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है. यहाँ पे ढेरों ढेर लोग जो हैं शॉपिंग के लिए आते हैं. हर अच्छे से अच्छा ब्रांड है इसके अंदर. लेकिन ये जगह भी जो है ना काफ़ी क्वाइटी है, नहीं तो यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल लगे होते हैं, लोग खाना पीना कॉफ़ी म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हैं. दो तीन घंटे चार घंटे यहाँ पे जो है ना गुजारना बहुत इजी है, आप बोर नहीं होते. सो यू कैन स्पेंड 3-5 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे भी जो है ना कोरोना वायरस ने सन्नाटा फैलाया हुआ है. ये जो डंडा स्क्वायर है ये यंग और डंडा स्ट्रीट का मेन इंटरसेक्शन है. अगर हम यहाँ से लेफ्ट होते हैं तो ये यंग स्ट्रीट सीधी लेक शोर पे जाती है. अगर हम यहाँ से राइट हो जाते हैं तो यही यंग स्ट्रीट सीधी नॉर्थ यॉर्क की तरफ चली जाती है.
आज तो कुछ पीपल जो ना आज कुछ लोग नजर आ रहे हैं हरकत करते हुए, यहाँ से वहाँ लोग मूव हो रहे हैं। यहाँ पे म्यूजिक भी होता है, ढेर चीजें होती हैं यहाँ पे लोगों के लिए जिसे लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आजकल कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड पे प्रिकॉशंस आ रही हैं कि जी ड्यूरिंग कोरोना वायरस यू हैव टू डू दिस एंड दैट। अथॉरिटीज की तरफ से डेरो इंस्ट्रक्शन डे बाय डे आती रहती हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जाना स्कूल बंद हैं। अब वो ई लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, इसी तरह इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं जो बिजी तरीन रहने वाले हैं वो बिल्कुल वहां पे सन्नाटा हो गया है। तो अल्लाह ताला सब बेहतर करे, अभी जैसे ही हालात जरा बेटर हो जाएंगे तो ये चीजें फिर से हो जाएंगी, लोगों की गहमा गहमी होना शुरू हो जाएगी। चलो द टाइम बीइंग आगे रमजान आ रहा है, रमजान में तो हर बंदा विश करता है कि चलो बंदा घर पे टाइम गुजारे, स्पेशली मुस्लिम। तो टाइम तो गुजर ही रहा है वैसे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इतना घर पे रहने की आदत नहीं है। चलो टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह गुजर जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, गुड एंड बैड टाइम। सो दिस इज अ बैड टाइम, सो आई होप कि अच्छा टाइम बहुत जल्दी आए, जिंदगियां नॉर्मल हों, वैसे ही लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अभी चलते हैं यहाँ से दूसरे पॉइंट की तरफ, अभी दो पॉइंट रहते हैं और, तो अभी उस तरफ निकलते हैं।